इंदौर में फिर एक बार लुटेरी दुल्हन से जुड़ा मामला सामने आया। मामला हीरा नगर थाना क्षेत्र का। फरियादी पति ने डीसीपी को शिकायती पत्र देकर महिला पर अन्य दो शादी के आरोप लगाए हैं। फरियादी पति ने बताया कि कुछ महीने पहले ही परिवार की रजामंदी से उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ दिन बाद पति को पत्नी पर शक होने लगा। पत्नी के मोबाइल में पति ने उसके बॉयफ्रेंड के फोन कॉल और कुछ तस्वीरें भी देख ली। इसके बाद पत्नी 10 लाख रुपए लेकर भाग गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। आवेदक कहाँ हैं जिन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी शादी हुई थी, जिस स्त्री से उनकी शादी हुई थी वह पूर्व में भी अन्य राज्यों में किसी व्यक्ति से इसी प्रकार से शादी करी और फिर बाद में जो है जो पैसों का लाभ लेने के बाद वहाँ से चली गई और बिना उनके नॉलेज में डाले एक और शादी करी और फिर वापस उनको भी छोड़ के चली गई है। तो अभी उन्होंने ऐसा बिंदु रेस किया अपनी शिकायत में, उसमें एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे कि जो उनका पॉइंट है वो सही है, कोई अन्य इशू तो नहीं है, और जैसे भी एविडेंस होंगे उस हिसाब से कार्रवाई की।